क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे पता करें, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे दोस्तों हमें यहाँ पर एक एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर गिवन है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर एक्स क्रॉस वाई वेक्टर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, एक सारणिक बनाना है और फिर उस सारणी को हम सोल्व करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है उसका फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सपोज करो कि आपको केवल आई केप और जे केप दे रखा होता, यहाँ भी आई केप जे केप दे रखा, तो उस कंडीशन में क्या हम इन दो को लिखते हैं या फिर तीनों को लिखते हैं? तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो, एक भी क्यों ना दिया गया हो, हम इन तीनों को ही लिखेंगे यहाँ पर अपना वेक्टर प्रोडक्ट करते समय। अब देखिए करना क्या है, आपका पहली पोजिशन पर कौन है, एक्स वैक्टर है, तो एक्स वैक्टर में देखिए आई केप के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइव, जे केप के साथ सिक्स, के केप के साथ टू आ रहा है। यहाँ पर देखो बाद में वाई वेक्टर आया है, आई केप के साथ कितना, वन, जे केप के साथ भी वन और के केप के साथ भी वन, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे के केप की टर्म नहीं होती, जे केप की टर्म भी नहीं होती, तो यहाँ जीरो और यहाँ भी आपका जीरो आता है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये आपका एक डिटरमिनेंट है, इसको आप अलग अलग तरीके से एक्सपांड करते हैं जब नॉर्मली हम केवल डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसको सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, दो वेक्टर के प्रोडक्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल फिक्स एक ही तरीका है, वो ध्यान क्या रखना है, ये आपका जो फर्स्ट रो है, देखिए डिटरमिनेंट में क्या होती है, आपकी ये रो होती है आर वन आर टू आर थ्री, ये कॉलम होते हैं सी वन सी टू सी थ्री, जो फर्स्ट रो है उसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड करना है। अब एक्सपांड करने का तरीका ध्यान से समझ लेना दोस्तों, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए उस तरीके में। हम लिखेंगे अपना आई के बीच वाले के लिए माइनस चिन्ह लिया जाएगा, जे के और लास्ट वाले के लिए प्लस चिन्ह लिया जाएगा। क्या समझ आया, यहाँ प्लस चिन्ह, बीच में माइनस चिन्ह और फिर आपका प्लस चिन्ह लिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक ऐसा डिटरमिनेंट बनाएंगे, इसके साथ भी डिटरमिनेंट, इसके साथ भी डिटरमिनेंट। अब इनमें हमें कुछ वैल्यूज को लिखना, वो वैल्यूज क्या है ध्यान से समझना दोस्तों, आई के कहाँ पे आया हुआ है, यदि मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि आई के फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो इन दोनों को डिलीट कर दो, ठीक है। पीछे बचा कौन है, देखिए यहाँ पे सिक्स टू वन वन, जे केप की बात करें तो इसको डिलीट और इसको डिलीट कर दिया, यानी इस रो में आया हुआ है, देखिए इस कॉलम में आया हुआ है तो उसको डिलीट कर दो, पीछे बचा कौन, फाइव वन टू वन, ठीक है। के कैप की बात करें तो ये देखिए इस कॉलम में है, इस रो में, इन दोनों को डिलीट कर दिया, यहाँ पे पीछे बचा कौन, फाइव वन सिक्स वन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। अब देखिए आपका क्या है, ये क्या था, देखिए थ्री बाई थ्री का डिटरमिनेंट था, ये आपका टू बाई टू का डिटरमिनेंट है। और आपको ज़्यादा समझ नहीं आता है तो तरीका समझ लो, ठीक है। डिटरमिनेंट वगैरह आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जैसे आप टेंथ क्लास के स्टूडेंट हैं, डिटरमिनेंट आपने आज तक नहीं पढ़ा है, तो आप बस तरीका समझ लो। अब ये जो है ये आपका टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इनका गुणा किया जाता है, छः गुणा एक माइनस इनका गुणा एक गुणा दो, ये बीच में देखिए माइनस चिन्ह है, इनका गुणा किया जाएगा पाँच गुणा एक माइनस इनका गुणा एक गुणा दो प्लस के इनका गुणा किया जाएगा पाँच गुणा एक माइनस फिर इनका गुणा एक गुणा छः, ठीक है। ओके अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे सिक्स मल्टीप्लाई वन सिक्स, वन मल्टीप्लाई टू कितना, टू सिक्स माइनस टू कितना आ गया फोर, और साथ में आपका आई केप है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये फाइव माइनस टू कितना थ्री, और साथ में आपका जे केप है प्लस फाइव माइनस सिक्स कितना आएगा माइनस वन, और माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के,
ये आपका दोस्तों निकल गया एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।